हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन 161 टू 170 लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 161 हमें क्या बोल रहा है 10 मिलीलीटर ऑफ वन नॉर्मल एच सी एल एंड ट्वेंटी मिलीलीटर ऑफ एन बाई टू एच टू एस फोर एंड थर्टी एम एल ऑफ़ एन बाई थ्री एच एन ओ थ्री आर मिक्सड टुगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू वन लीटर देन फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ एच प्लस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज तो हमारे पास सारे के सारे एसिड्स हैं इन सब के अपन क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं तो अपने पास इक्विवेलेंट क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नॉर्मेलिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम भी हमें गिवन है तो यदि हमें रिजल्टेंट नॉर्मैलिटी निकालनी है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी फॉर एच प्लस तो मन यहाँ पर क्या लिखेंगे टोटल इक्वेलेंट्स टोटल इक्वीवेलेंस टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तो अपन टोटल तो इक्वलेंट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे तीनों सॉल्यूशंस के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अपने पास 10 मिलीलीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप वन से वन नॉर्मल है तो यहाँ पे 10 इंटू वन प्लस ट्वेंटी इंटू हाफ हाफ नॉर्मल है यहाँ पर और यहाँ पर थर्टी इंटू वन बाई थ्री नॉर्मल है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है वन लीटर है चूँकि हमने वॉल्यूम यहाँ पर मिली लीटर में लिया है तो अपन डाउन भी मिली लीटर में लेंगे तो यहाँ पर अपन वन थाउजेंड मिली लीटर ले लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टेन प्लस यहाँ पर टेन प्लस टेन आ जाएगा डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड ये हो जाएगा थर्टी बाई वन थाउजेंड ये हो जाएगा थ्री बाई हंड्रेड तो हमारे पास फाइनल नॉर्मेलिटी जो होगी वो थ्री बाई हंड्रेड नॉर्मल हो जाएगा जो कि अपने को कौन से ऑप्शन से मैच e कर रहा है ऑप्शन ई से मैच कर रहा है थ्री बाई हंड्रेड नॉर्मल ठीक है नेक्स्ट है वन सिक्सटी टू जीरो पॉइंट फोर फाइव ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मोलिकुलर मास नाइन्टी वॉज न्यूट्रलाइजड बाई ट्वेंटी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव फोर नॉर्मल कास्टिक सोडा द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज बेसिसिटी ऑफ एसिड से मतलब क्या है कि हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एच प्लस कि हमारे पास कितने एच प्लस वो एसिड प्रोवाइड कराएगा और यही हमारा क्या होता है यही हमारा एन फैक्टर होता है फॉर एनी एसिड तो अपने को सिंपली एन फैक्टर ऑफ एन एसिड कैलकुलेट करना है फॉर कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें जीरो पॉइंट फाइव फोर नॉर्मल और ट्वेंटी मिलीलीटर वॉल्यूम दिया हुआ है तो अपन क्या कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करिए तो 20 बाई वन थाउजेंड ये लीटर में वॉल्यूम हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.54 से तो ये इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ जाएंगे इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपने को निकालना है तो हमें एसिड का मास दिया गया और मोलिकुलर मास दिया गया तो इससे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ एसिड मोल्स ऑफ एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ठीक बट अपने को क्या निकालना है इक्वेलेंट ऑफ एसिड निकालना है इक्वेलेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर तो सिमिलर एक्सप्रेशन अपन यहाँ पर लिखेंगे तो 0.45 पॉइंट बाई नाइनटी ये मोल्स ऑफ एसिड है इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेलेंट ऑफ एसिड आ जाएगा अब अपने पास इस इक्वेशन में अननोन क्या है एन फैक्टर जिसे ही अपन पन को कैलकुलेट करना है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन फैक्टर क्या जाएगा? 2 आ जाएगा टू आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन ए 3.4 ग्राम सैंपल ऑफ एच टू ओ टू सोल्यूशन कंटेनिंग एक्स परसेंट एच टू ओ टू बाई मास रिक्वायर्स एक्स मिलीलीटर ऑफ ए कैमनोफोर सोल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन अंडर एसिडिक कंडीशन द मोलरिटी ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन इज तो सबसे पहले तो हमारे पास देखिए कि जो सोल्यूशन सैंपल सोल्यूशन दिया गया है उसमें एक्स परसेंट एच टू ओ टू है तो अपन देखें मास ऑफ एच टू ओ टू जो गिवन हमें वो क्या है थ्री पॉइंट फोर ग्राम का एक्स परसेंट है ये हमारे पास मास ऑफ एच टू ओ टू आ गया ठीक है इसके बाद में यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है एक्स मिलीलीटर ऑफ ए केमेनोफोर सोल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन अपने को यहाँ पर यूज हो रहा है और अपने को केमेनोफोर की मोलरिटी नॉन करनी है तो अपन इक्विवेलेंट वाला लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एच टू ओ टू जो रिएक्शन होगी के एम एन ओ फोर के साथ वो इक्वल हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ के एम एन ओ फोर ठीक है अब अपने को इक्वेलेंट ऑफ एच टू ओ टू करना है तो इसके लिए अपने पास क्या दिया हुआ है मास तो दिया हुआ है अब इक्वेलेंट निकालने के लिए अपने को इक्वेलेंट मास भी निकालना पड़ेगा तो अपन निकाल सकते हैं इक्वेलेंट मास ऑफ एच टू ओ टू जो हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पर मोलर मास ऑफ एच टू ओ टू डिवाइडेड बाई एन फैक्टर अब हमारे पास जो एच टू ओ टू होता है वो डिसोशिएट किस में होता है एच टू प्लस हाफ ओ टू में अब यहाँ पर ओ टू ऑक्सीजन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर ऑक्सीजन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है चेंज कितना हो रहा है वन का और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितना है टू तो हमारा एन फैक्टर क्या होगा टू हो जाएगा इनकेस ऑफ एच टू ओ टू तो यहाँ पर एच टू ओ टू का मास मोलर मास अपन निकालें तो हाइड्रोजन का टू इंटू वन प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा सिक्सटीन इंटू टू तो ये हो जाएगा थर्टी फोर तो ये थर्टी फोर बाई टू यानी सेवनटीन हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ एच टू ओ टू होगा ठीक है अब इक्विवेलेंट मास अपने पास आ गया मास हमारे पास आ गया तो अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं एच टू ओ टू के जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसी तरह से तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे थ्री पॉइंट फोर एक्स बाई हंड्रेड ये तो मास ऑफ एच टू टू है डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट मास विच इज़ सेवनटीन ठीक इसी तरह से अपने को यहाँ पर इक्वेलेंट ऑफ के एमो फोर निकालना है अब इक्वेलेंट ऑफ के एमेनो फोर में अपन देखें कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया मास रिक्वायर्स एक्स मिलीलीटर ऑफ ए केमेनो फोर सोल्यूशन तो लेट हमारे पास नॉर्मेलिटी जो है केमेनो फोर की सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन इज एन नॉर्मल तो अपन क्या करेंगे नॉर्मलिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स मिलीटर में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड इंटू नॉर्मलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया अब इसमें अननोन हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा नॉर्मैलिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं तो एन की वैल्यू आ जाएगी टू ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है नॉर्मेलिटी ऑफ के एम एन ओ फोर ठीक है नॉर्मेलिटी ऑफ के एम एन ओ फोर हो गई अब अपने को पता क्या करना था मोलैरिटी पता करनी थी तो मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होगा हमारे पास हो जाएगा नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर तो हमारे पास मोलरिटी क्या हो जाएगी नॉर्मैलिटी ऑफ के एम एन ओ फोर डिवाइडेड बाई एन फैक्टर नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना ही है टू इसी तरह से यहाँ पर एन फैक्टर निकालना चाहिए के एम एन ओ फोर का तो के एम एन ओ फोर में हमारे पास देखिए एम एन ओ फोर माइनस है एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होता है एम एन टू प्लस में यानी यहाँ पर प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा रहा है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा एन फैक्टर हमारा फाइव हो जाएगा ठीक है चेंज हमारे पास कितना हो रहा है फाइव का हो रहा है और एक ही आइटम है यहाँ पर तो यहाँ पर n फैक्टर 5 होगा तो 2/5 मोलर हमारे पास मोलरिटी हो जाएगी KMnO4 की इसको फर्दर सॉल्व करिए तो ये 0.4 मोलर हो जाएगा जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मेजर्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन विल बी फॉर्मड बाय एक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KMnO4 ओन हाइड्रोजन परोक्साइड इन एन एसिड सॉल्यूशन। द स्कल्टन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज स्कल्टन इक्वेशन से मतलब क्या है अनबैलेंसड रिएक्शन अपने को गिवन है तो यहां पर अपने को सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है तो हमारे पास इस रिएक्शन का जो बैलेंस्ड फॉर्म होगा वो यहां पर अपन देख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन जो होगी इसकी वो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराकर कर लेते हैं तो अपने पास देखिए एम एन ओ फोर माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है एम एन टू प्लस में तो सबसे पहले इस पार्ट को बैलेंस करते हैं एम एन ओ फोर माइनस से एम एन टू प्लस में अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी किधर है यहाँ पर है एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पर फोर एच टू हो जाएगा इसके साथ यहाँ पर कितने एच जुड़ेंगे एट एच प्लस जुड़ेंगे चार्ज कंजर्व करना पड़ेगा तो माइनस वन प्लस एट ये प्लस सेवन है तो यहाँ पर प्लस सेवन और यहाँ पर प्लस टू है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तो ये हमारा एक रिएक्शन पार्ट हो गया हाफ रिएक्शन दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होगा कि एच टू वो टू जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो टू में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितर है यहाँ पर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है इन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर अपन टू एच प्लस रख देंगे अब चार्ज को बैलेंस करना है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएंगे अब यहाँ पर फ़ाइव इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन है दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए अपन इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेंगी देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस यहाँ पर सिक्सटीन एच प्लस प्लस टेन इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म हो रहा है हमारे पास टू एम एन टू प्लस प्लस एट एच टू इसी के साथ हमारे पास दिया हुआ है फ़ाइव एच टू ओ टू ये कन्वर्ट हो रहा है किस में ये कन्वर्ट हो रहा है फ़ाइव ओ टू प्लस टेन एच प्लस प्लस टेन इलेक्ट्रॉन ठीक है अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया एच प्लस कैंसिल हो गए तो यहाँ पर सिक्स एच प्लस आ जाएंगे अब फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स एच प्लस प्लस फाइव एच टू ओ टू ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें में टू एम एन टू प्लस प्लस फाइव ओ टू प्लस एट एच टू ओ ठीक है अब जो भी चार्ज हमारे यानी जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नहीं हो रहे थे वो ऐड करेंगे यहाँ पर के प्लस ऐड होगा अब टू एम एन ओ फोर माइनस के चाहिए अपने को तो हमारे पास क्या हो जाएगा टू के एम एन ओ फोर यहाँ पर सिक्स एच प्लस चाहिए तो इसमें हो जाएगा हमारे पास थ्री एच टू फ़ोर प्लस फ़ाइव एच टू ओ टू वैसा का वैसा ही रह जाएगा इसके बाद में अपन देखें यहाँ पर मैग्नीज़ का तो ये टू एम एन एस ओ फोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस ओ फोर ही अटैच था मैग्नीज़ के साथ इसके बाद फाइव ओ टू प्लस एट एच टू इसके साथ ये के टू एस ओ फोर टोटली कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे तो इसको वैसा का वैसा रख देते हैं के टू एस ओ फोर हमारे क्या है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ठीक है अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन को फर्जर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास देखिए हंड्रेड मिलीलीटर और जीरो पॉइंट फाइव नॉर्मल के दिया हुआ है दैट मीन्स हमारे पास मिली इक्वेलेंट ऑफ केएमएनओ जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फिफ्टी ठीक है अब अपने को क्या चाहिए मिली मोल चाहिए मिली मोल ऑफ के फोर मिली मोल ऑफ के फोर हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मिली फैक्टर तो एन फैक्टर हमारा क्या है यहां पर के एम एन ओ फोर केस में आप देखें तो के एम एन ओ फोर यानी सॉरी एम एन ओ फोर माइनस किस में कन्वर्ट होता है एम एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है यानी प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू में जा रहा है दैट मीन्स यहाँ पर फैक्टर हमारा फाइव हो जाएगा तो फिफ्टी मिली इक्विवेलेंट में फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन मोल हो जाएगा तो टेन मिलीमोल के एम एन ओ फोर के यहाँ पर अपने को दिए हुए हैं अब अपने को क्या पूछा गया कि वाट वॉल्यूम ऑफ ओ टू मेजर्ड एट वन एटी एम एंड टू सेवेंटी थ्री के यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर ओ टू का वॉल्यूम अपने को पता करना है तो हमारे पास के मेनो फोर के कितने मोल दिए हुए टेन मिली मोल दिए हुए हैं और इससे O2 कितना मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे टू मोल के मेनो फोर से टू मोल के मेनो फोर गिव्स फाइव मोल O2। सो वन मोल गिव्स फाइव बाई टू मोल O2। ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन मिली मोल फाइव बाई टू इंटू टेन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मिलीमोल टू तो हमें कितना टू ऑप्टेंड हो रहा है यहां पर ट्वेंटी फाइव मिली मोल टू अपने को ऑप्टेंड हो रहा है तो यहां पर अपन टोटल वॉल्यूम पता करें टोटल वॉल्यूम ऑफ टू तो इसमें एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वन मोल गैस वॉल्यूम एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एम्परेचर इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है और अपने को यहाँ पर टोटल ओटू का वॉल्यूम ट्वेंटी फाइव मिली मोल दिया हुआ है इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ये ओ टू का वॉल्यूम हो गया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स लीटर तो हमारा ओ टू का कितना वॉल्यूम अपटेंड हो रहा है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स लीटर अपने को ऑपटेंड हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पल ऑफ वन ग्राम ऑफ सोलिड एफ ई टू ओ थ्री ऑफ एट्टी परसेंट प्योरिटी इज डिजोल्ड इन ए मॉडरेटली कंसेंट्रेटेड एच सी एल सोलन विच इज रिड्यूस्ड बाई जिंक डस्ट द रिजल्टिंग सोल्यूशन रिक्वायर्ड सिक्सटीन पॉइंट सेवन मिलीलीटर ऑफ ए जीरो पॉइंट सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीडेंट कैलकुलेट द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन अप द ऑक्सीडेंट ठीक है तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए एफ ई टू ओ थ्री की परसेंटेज प्योरिटी कितनी दी हुई है कि सॉलिड एफ ई टू ओ थ्री इसकी परसेंटेज प्योरिटी दी हुई है एट्टी परसेंट और ये हमारे पास सैंपल कितना दिया हुआ है वन ग्राम दिया हुआ है तो वन ग्राम सैंपल में कितना होगा एट्टी परसेंट प्योरिटी होने की वजह से ज़ीरो पॉइंट एट ग्राम एफ ई टू ओ थ्री होगा केवल ठीक तो इसका क्या कर रहे हैं इसको जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस कराया जा रहा है तो हमारे पास एफ ई टू ओ थ्री कि यदि आप जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या करता है यहाँ पर एफ ई प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देता है एफ ई टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस थ्री से प्लस टू में जा रहा है तो चेंज हमारे पास क्या हो रहा है प्लस वन यूनिट का हो रहा है तो एन फैक्टर अपन निकालें इसका तो चेंज हमारे पास वन हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर एफ के कितने हैं टू तो एन फैक्टर हमारा हो जाएगा टू ठीक है इसके बाद अपने को क्या बोला गया द रिजल्टिंग सोल्यूशन रिक्वायर्ड सिक्सटीन पॉइंट सेवन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीडेंट कि हमारे पास जो एफ ई टू प्लस बना ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एफ़ी थ्री प्लस में ठीक है तो अपने को पूछा गया है कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय द ऑक्सीडेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो किसके बराबर होगा उसके एन फैक्टर के बराबर होगा कि उस रिएक्शन में पर्टिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है थीक? तो हमारे पास एन फैक्टर ही कैलकुलेट करना है फॉर ऑक्सीडेंट तो यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है अपन देखें यहां पर तो अपने पास इक्वेशन रिएक्शन पूरी हो रही है तो इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अपने को इक्वेशन है अब अपने पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस अपन को निकालना हो तो अपने पास मोल्स तो दिए हुए नहीं है यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने को निकालना है मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस तो यहाँ पर इक्वेशन अपन लगाएं कि इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू ओ थ्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस अब यहाँ पर इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू ओ थ्री अपन निकालना चाहें तो क्या होगा जीरो पॉइंट एट ग्राम सैम्पल दिया हुआ है डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास अपने पास मोलिकुलर वेट ऑफ एफ ई टू ओ थ्री जो होगा वो वन सिक्सटी ग्राम हो जाएगा ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इस नंबर ऑफ मोल्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी टू जो कि आपने यहाँ पे निकाला है मल्टीप्लाई यहाँ पर किया अपन ने इक्वलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस एफ ई टू प्लस से भी एफ ई थ्री प्लस में जाएंगे तो इसका भी एन फैक्टर क्या होगा इसका भी एन फैक्टर हमारे पास टू से थ्री में जा रहा है और नंबर ऑफ एटम्स वन है तो वन इंटू वन यानी वन हो जाएगा तो एन फैक्टर हमारा वन है और मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस यहाँ पर अपन ने ले ली ठीक है अब यहां से अपने को इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस कैलकुलेट हो जाएंगे जो आएंगे जीरो पॉइंट जीरो वन मोल ठीक है अब मोल्स अपने पास एफ ई टू प्लस के आ गए तो अपन इक्वेलेंट भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर ठीक है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड करेंगे किससे इसके एन फैक्टर से तो हमारे पास एफ ई टू प्लस से ये एफ ई थ्री प्लस में जा रहा है तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इसी तरह से इक्वेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लें तो हमारे पास सिक्सटीन पॉइंट सेवन मिली लीटर एंड जीरो पॉइंट वन मूलर सोल्यूशन दिया गया है तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो सिक्सटीन पॉइंट सेवन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे ये तो वॉल्यूम हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट वन से ये हमारे पास क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएंगे अब इसमें जो अन नंबर है वो क्या है केवल एन फैक्टर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो हम सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा सिक्स फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कितना लेगा ऑक्सीडेंट तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 विद एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हियर ट्वेंटी एम एल ऑफ जीरो टू तो हमारे पास के एम एनो फोर और ऑक्जेलिक एसिड के दोनों के इक्वेलेंट सेम होंगे यानी कंप्लीट रिएक्शन के लिए इक्वेलेंट ऑफ के एम एनो फोर इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ठीक है तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ केएनो फोर अपने को निकालने हो तो कैसे निकालेंगे ट्वेंटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो पॉइंट वन से तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेंटी इन टू जीरो पॉइंट तो यहां पर एन फैक्टर के एम एन ओ फोर का कितना है यहां पर एम एन ओ फोर माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में एम एन टू प्लस में तो यहां पर प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास चेंज पर एटम फाइव और नंबर ऑफ एटम्स वन है तो यहां पर फाइव होगा ठीक है और यहां पर यदि इक्विवेलेंट ऑफ अपन देखें तो यहां पर मोल्स निकालेंगे वही मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फैक्टर फाइव था तो यहां पर टेन है तो अपने को क्या चाहिए ये वैल्यू भी इट मस्ट बी टेन ठीक है कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऐसा होना जरूरी होगा तो अपने को यही देखना है कि कौन से ऑप्शन में अपने को इक्विवेलेंट टेन आ रहे हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव पहला ऑप्शन है जिसमें आपने मल्टीप्लाई करा वन ट्वेंटी इन जीरो पॉइंट टू फाइव ये क्या हो गया ये तो हमारे पास मोल्स आ गए इसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से अब एच टू सी टू ओ फोर में देखें तो यहाँ पर कार्बन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो प्लस थ्री से प्लस फोर में जाएगा तो चेंज कितना हो रहा है वन यूनिट का हो रहा है और यहाँ पर कार्बन के कितने एटम से टू तो यहाँ पर एन फैक्टर हो जाएगा टू तो यहाँ पर वैल्यू आप सॉल्व करेंगे एन फैक्टर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी सिक्सटी जो कि टेन के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ये सिक्सटी एक, मिली इक्वलेंट होंगे बी में अपन देखें तो बी में भी पास 150 2 हमारे पास वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट वन जीरो इन टू टू करेंगे एन फैक्टर हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का टू दिया गया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी ये आ जाएगी थर्टी तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से सी ऑप्शन देखते हैं ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई किया अपन ने जीरो पॉइंट टू जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा टेन तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो रहा है दैट मीन्स सी कंप्लीट रिएक्शन के लिए करेक्ट यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं तो आंसर हमारा सी हो जाएगा नेक्स्ट है वन सिक्सटी सेवन रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एफ ई टू ऑक्सीडाइज बाई इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ इक्वी मोलर के एंड के टू से आर टू ओ सेवन सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम विल बी तो हमारे पास देखिए कि क्या हो रहा है कि एफ ई टू ओ प्लस टू प्लस है इसका ऑक्सीडेशन अपन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एम एन ओ फोर माइनस से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें ये कन्वर्ट हो रहा है एफ ई थ्री प्लस प्लस एम एन टू प्लस में ठीक है अब यहाँ पर एन फैक्टर अपन देखें तो एफ ई टू प्लस से थ्री प्लस में जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स भी वन है तो एन फैक्टर हमारा वन हो जाएगा यहाँ पे प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है तो इसमें अपन देखें कि क्या पता करना था अपने को रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस अपने को सिंपली पता करने थे तो यहाँ पर अपन यदि इक्विवेलेंट निकालें कि इक्विवेलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस इक्वल टू अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ एम एन ओ फोर माइनस तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अपन मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस विच लेट से एन वन है ठीक है मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर एन फैक्टर हमारे पास वन है यहां पर हमारे पास मोल्स ऑफ एम एन ओ फोर माइनस मोल्स ऑफ एम एन ओ फोर माइनस मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा यहां पर एन फैक्टर विच इज फाइव ये तो एक इक्वेशन हो गई दूसरी इक्वेशन अपन देखें कि एफ ई टू प्लस के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो सीआर टू ओ सेवन टू माइनस एफ्री प्लस में और खुद रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम प्लस थ्री में तो यहां पर भी इसका इनफेक्टर क्या है 1 है क्योंकि टू प्लस से थ्री प्लस में जा रहा है यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है निकाल लेते अपन यहां पर टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू माइनस टू तो ये टू एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस फोरटीन ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस सिक्स तो यहाँ पे प्लस सिक्स से ये प्लस थ्री में जा रहा है तो एन फैक्टर अपन देखें तो चेंज हमारे पास पर आइटम कितना हो रहा है थ्री और नंबर ऑफ एटम्स है टू तो यहाँ पर एन फैक्टर हो जाएगा सिक्स ठीक है ये एन फैक्टर सिक्स हो गया तो अपन यहाँ पर लिखेंगे वही बात कि मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस अब इस रिएक्शन में जो मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस से अपन उसको एन टू ले लेते हैं टू एन फैक्टर वन इसी तरह से यहाँ पे मोल्स ऑफ सी आर टू ओ सेवन टू माइनस इन टू एन फैक्टर यहाँ पे सिक्स दिया हुआ है ठीक है तो अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो अपने को यहां पर क्या नहीं पता है मोल्स ऑफ सी आर टू ओ सेवन और मोल्स ऑफ एम एन ओ फोर माइनस तो क्वेश्चन को अपने को ध्यान से देखना है क्वेश्चन में अपने को बोला गया इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वी मोलर के एम एन ओ फोर एंड के टू सी आर टू ओ सेवन तो हमारे पास जो मोल्स होते हैं वो क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ठीक है तो इन दोनों की ही यहाँ पर भी एम वन वॉल्यूम है यहां पर भी वी वन वॉल्यूम है यहाँ पर भी एम वन वॉल्यूम है और यहाँ पर भी वी वन वॉल्यूम है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे मोल्स आर आल्सो सेम तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे वन इज टू में तो हमारे पास क्या होगा एन वन अपॉन एन टू ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइव बाई सिक्स हमारे पास रेशियो आ जाएगा जो कि आपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ Next है नेक्स्ट है वन सिक्सटी एट द मास मिक्सचर कंटेनिंग एच सी एल एंड एच टू एस फोर इज जीरो पॉइंट वन ग्राम ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ एन ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन रिएक्टेड विद दिस एसिड मिक्सचर गिव्स जीरो पॉइंट वन फोर थ्री फाइव ग्राम तो हमारे पास यदि मिक्सचर एच सी एल प्लस एच टू एस है उसमें से अपन ने किसके -किस ए जी एन ओ थ्री के साथ में रिएक्शन कराई तो ए जी एन ओ थ्री के साथ केवल रिएक्ट कौन कर रहा है यहाँ पर एच सी एल रिएक्ट कर रहा है फॉर ऑब्टेनिंग ए जी सी एल ठीक है तो ए जी सी एल अपने पास जो बना है वो एच सी एल से बना है तो यानी एच सी एल और ए जी एन ओ थ्री की रिएक्शन आपने कराई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए जी सी एल प्लस ये एच एन ओ थ्री तो यहां पर अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स यदि आप लगाना चाहें या मोल इक्वेशन लिखें तो हमारे पास मोल्स ऑफ एच सी एल बैलेंस रिएक्शन है इक्वल टू मोल्स ऑफ ए जी सी एल इक्वल टू मोल्स ऑफ ए जी थ्री तो हमारे पास एजीसीएल कितना ऑप्टेंड हुआ है यहां पर जीरो पॉइंट वन फोर थ्री फाइव ग्राम और ए जी सी एल का मोलर मास कितना दिया हुआ है वन फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव ये क्या ये है ये मोलर मास है ए जी सी एल का तो अपन मोल्स ऑफ ए जी सी एल निकाल लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स ये हमने को क्या मोल्स HCl आ गए मोल्स ऑफ एच सी एल आ गए मोल्स ऑफ एच सी एल से अपन अपन मास ऑफ एच सी एल निकालेंगे तो मास ऑफ एच सी एल के लिए क्या हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस थ्री मोल मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे मास मास ऑफ़ ऑफ़ मोलर ल का हमारे पास क्लोरीन देखें तो यहाँ पे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस वन ये हो जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स फाइव ग्राम ये मास ऑफ एच सी एल हमारे पास आ गया अब अपने को चाहिए मास ऑफ एच टू एस एफ फोर क्योंकि अपने को मास ऑफ परसेंटेज एच टू एस एफ फोर का ही निकालना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे जीरो पॉइंट वन ग्राम अपने पास टोटल मिक्सचर था उसमें से माइनस कर देंगे एच सी एल का मास तो हमारे पास मास ऑफ एच टू एस एफ फोर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स थ्री फाइव अब अपने को क्या चाहिए मास परसेंटेज ऑफ एच टू एस एफ फोर चाहिए तो मास परसेंटेज ऑफ एच टू एस एफ फोर में क्या हो जाएगा मास ऑफ एच टू एस ओफ फोर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैम्पल या मिक्सचर आप कह सकते हैं इन टू हंड्रेड तो हमारे पास मास ऑफ एच टू एस एफर हो गया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स थ्री फाइव यहाँ पर मिक्सचर का मास कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं ठीक Next है नेक्स्ट है वन सिक्सटी नाइन इसमें हमें क्या बोला गया ए सोल्यूशन ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री इज स्टैंडर्डाइज आइडोमेट्रिकली अगेंस्ट जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन ग्राम ऑफ के बी आर ओ थ्री दिस प्रोसेस रिक्वायर्स फिफ्टी मिलीलीटर ऑफ द एन ए टू एस टू ओ थ्री विच इज हाइपो सोल्यूशन वट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द हाइपो सोल्यूशन तो हमारे पास आयोडोमेट्रिकल टाइट्रेशन हो रहा है इसमें सबसे पहले जो आई माइनस होगा वो बी आर ओ थ्री माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 हो जाएगा इसके बाद में हमारे पास जो I2 टू हुआ है वो हाइपो सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेगा एन ए टू एस टू ओ थ्री और हमारे पास क्या बना लेगा ये I2 को को किसमें कन्वर्ट कर देता है ये कन्वर्ट कर देता है आई माइनस में यानी एन ए टू एस फोर ओ सिक्स प्लस एन आई में तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इक्वलेंट ऑफ आई टू इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री यानी हाइपो सोल्यूशन की तो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इक्वेशन वन इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास इक्वेलेंट ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री हाइपो सोल्यूशन ठीक है तो हमारे पास बी आर ओ थ्री माइनस के इक्वेलेंट अपने को निकाल लें तो इसके लिए अपन देखें यहाँ पर ब्रोमीन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में से माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो चेंज हमारे पास कितना हो रहा है यहाँ पर सिक्स तो हमारे पास माइनस वन माइनस फाइव ये प्लस सिक्स का चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एन फैक्टर भी हमारा हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट सेवन ग्राम के बी आर ओ थ्री दिया हुआ है तो अपन मोल्स निकाल सकते हैं इक्वेलेंट के लिए क्या होता है मोल्स इन n एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर तो मोल्स अपन निकाल लें तो जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन ग्राम हमारे पास मास दिया गया है के बी आर ओ थ्री का और के बी आर ओ थ्री का जो मोलर मास होता है वो होता है वन सिक्सटी सेवन ये होता है मोलिकुलर वेट ऑफ के बी आर ओ थ्री का वन सिक्सटी सेवन तो ये मोल्स आ गए अब एन फैक्टर अपने पास दिया हुआ है कितना सिक्स ठीक है इसको इक्वल कर देंगे हाइपो सोल्यूशन के किससे इक्विवेलेंट से तो अपने पास फिफ्टी एम एल हाइपो सोल्यूशन दिया हुआ है नॉर्मेलिटी अपने को निकालनी है तो लेट से इसकी जो नॉर्मलिटी है वो कैपिटल एन नॉर्मल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लीटर में आ जाएगा इसको नॉर्मलिटी को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फर्दर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो नॉर्मल ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन का वो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू नॉर्मल ऑप्शन बी करेक्ट सेवनटी वन सेवेंटी में हमें क्या दिया गया जीरो पॉइंट एट जीरो ग्राम ऑफ इम्प्योर अमोनियम सल्फेट वाज बॉइल्ड विद हंड्रेड एम एल इंटू जीरो पॉइंट टू नॉर्मल एन सॉल्यूशन एच सोल्यूशन यानी यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेलेंट दिए हुए मिली इक्वेलेंट्स ऑफ एन एच जो हो जाएंगे वो जाएंगे हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट टू यानी ये ट्वेंटी इक्वेलेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं सोल्यूशन में एन ओ एच के all the ammonia ट ऑल द अमोनिया गैस इवॉल्व रिमेनिंग सोलूशन 250 फिफ्टी एम एल तक उसका डायलूशन कर दिया एन एच टू अपन ने एड कर दिया और जो सोल्यूशन हमारे पास बना उस सोल्यूशन में से ट्वेंटी फाइव एम एल अपन ने ले लिया और उसको न्यूट्रलाइज करा दिया किसके साथ फाइव एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट टू नॉर्मल एच टू एच फोर के साथ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन ओ एच का सोल्यूशन टोटल तो हमारे तो तो पास दिया हुआ है इसमें से अपन ने कुछ सोल्यूशन लिया और उसका डायल्यूशन टू फिफ्टी एम एल तक कराया और उस 250 फिफ्टी में से भी 25 फाइव लेके अपन ने न्यूट्रलाइजेशन करा दिया अब जो ये 250 फिफ्टी अपन ने सॉल्यूशन बनाया था इसमें जो नॉर्मलिटी थी वही हमारे पास 25 फाइव में भी होगी तो हमारे पास जो फाइनल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई थी एन ए की तो यहां पर एन ए टू एस ओ फोर प्लस एच टू बनाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ एन ए ओ एच क्वल टू इक्वेलेंट ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है तो यहां पर इक्विवेलेंट अपन निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा ये फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पर ये तो इक्विवेलेंट ऑफ हो गया इसी तरह से यहाँ पर इक्विवेलेंट एन एच अपने को निकालना है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा ये वन पॉइंट जीरो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएंगे तो ये इक्विवेलेंट ऑफ एन एच हमारे पास क्या थे ट्वेंटी फाइव एम एल के थे तो यहां पर वन इक्विवेलेंट प्लस 25 फाइव सॉल्यूशन दिया हुआ है तो यदि अपन इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालें नॉर्मेलिटी तो ये नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी वन इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम यहां पर ट्वेंटी फाइव में दिया हुआ है तो ये भी इक्विवेलेंट भी जो था ये मिली इक्विवेलेंट में क्योंकि यहां पर वॉल्यूम फाइव मिलीलीटर लिया था अपन ने तो वैल्यूज इसी तरह से आप पुट कर सकते हैं तो ये हमारा इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी हो जाएगा और यही सेम नॉर्मेलिटी हमारे पास किसकी होगी 250 फिफ्टी की होगी तो अपन यदि बोलें कि 250 फिफ्टी एम सोल्यूशन में एन के कितने इक्विवेलेंट्स थे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 250 फिफ्टी एम एल एन सोल्यूशन जो रिमेनिंग थे अपने पास बचे वो क्या हो जाएगा अपने पास नॉर्मेलिटी तो सेम रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे वॉल्यूम से तो हमारे पास नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम तो नॉर्मेलिटी हमारे पास है वन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएंगे इसके मिली इक्वेलेंट्स नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट्स वॉल्यूम अपन मिलीटर में ले रहे हैं इसलिए तो हमारे पास ये टेन मिली इक्वेलेंट्स आ जाएंगे जो एन के यूज़ हो रहे थे इस सॉल्यूशन के साथ 250 फिफ्टी के साथ तो हमारे पास यहां पर अब रिएक्शन में कितने कंज्यूम हुए होंगे टोटल में से 10 तो अपने पास यहां पर यूज हो गए तो बचे कितने रिमेनिंग एन हमारे पास हो जाएगा यहां पर ये 20 तो टेकन थे इनिशियली यूज हमारे पास क्या हो गए टेन तो हमारे पास 20 माइनस टेन विच इज इक्वल टू टेन मिली इक्वेलेंट ऑफ एन ई ओ एच ठीक है अब ये हमारे पास क्या है एन एच के मिली इक्वेलेंट्स है अब यदि इन्हीं को अपन क्या लिखें इन्ही को अपन नंबर ऑफ मोल्स में लिखना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ एन ओ एच मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर और एन ओ एच में नंबर ऑफ ओ एच माइनस कितने रिप्लेसेबल है वन तो यहाँ पर एन फैक्टर हो जाएगा वन तो इसी के बेसिस पे अपन क्या लिख देंगे कि हमारे पास मिली मोल ऑफ एन एच विच रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ही जो बचा हुआ था इक्वेलेंट वही तो फर्दर एच टू एस एफर के साथ रिएक्ट किया था तो एच टूसर के साथ फर्दर रिएक्ट करा था कितना टेन इनिशियली लिया हुआ था ट्वेंटी तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट के साथ भी कितना हो रहा है टेन मिलीमोल रिएक्ट हो रहा है ठीक है अब अपने को पता क्या करना था कि यहां परिटी पता करना था तो अपने को मास्क चाहिए इसका तो यहाँ पर अपन सबसे सब पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमारे पास अमोनियम सल्फ़ेट की यदि एन के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एन ए टू एस ओ फोर प्लस टू एन एच थ्री प्लस टू एच टू ठीक है तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट के कितने मिलीमोल्स रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर एन हमारे पास कितना दिया हुआ है टेन दिया हुआ है तो एक मोल यदि अमोनियम सल्फेट का कंप्लीटली कंबेशन कराना है तो एन के कितने यूज होंगे टू तो मोल यूज होंगे और हमारे पास यहाँ यूज़ हो चुके हैं तो इसी से अपन क्या निकालेंगे कि यहां पर कंज्यूम कितने हुए होंगे यहां पर फाइव मिली मोल कंज्यूम हुए होंगे अकॉर्डिंग टू एन मोल्स रिवर्स जाना है आपको कि टू मोल से वन मोल था तो टेन मोल से क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू टेन विच इज फाइव मिली मोल तो हमारे पास अमोनियम सल्फ के रिएक्टेड मोल्स कितने हो गए यहां पर हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट रिएक्टेड ये हो जाएगा हमारे पास फाइव ठीक है तो अपन मास ऑफ एन अमोनियम सल्फेट निकाले मास ऑफ अमोनियम सल्फेट तो हमारे पास मोल्स दिए हुए फाइव मिली मोल तो यानी फाइव इंटू माइनस थ्री मोल हो गया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से अमोनियम सल्फ़ेट का मोलर मास हमारे पास है 132 ग्राम तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.66 ग्राम अमोनियम सल्फ़ेट का मास तो अब अपने को क्या पूछा गया था परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई थी तो हमारे पास सैंपल जो इम्प्योर दिया हुआ था वो जीरो ग्राम दिया हुआ था तो परसेंटेज प्योरिटी में हमारे पास क्या होगा मास ऑफ दिस कंपाउंड जो कि जीरो ग्राम है डिवाइडेड बाई मास ऑफ दिस सैंपल वो जिस विच इज़ 0.80 ग्राम मल्टीप्लाइड 100 से कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 82.5 परसेंट तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा